हूँ बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर। ये जो ट्रेन खड़ी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेन जाएगी हमें लेके मोनापाव। चलिए चलते हैं मोनापाव और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर जब वहाँ से पाकिस्तान ट्रेन जाती है तो किस तरीके से जो बॉर्डर की सिक्योरिटी होती है, किस तरीके का वहाँ का सीन है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मैं ये यहाँ पे मोनापाव आपको दिख रहा है, ये ट्रेन जाएगी मोनापाव और ये कुछ इस तरीके का सुबह का यहाँ का सीन है। और ये देख सकते हो ट्रेन लगी है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आगे बॉर्डर की ओर जाएगी जहाँ से देख सकते हो ये है बाड़मेर। तो दोस्तों फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये ट्रेन यहाँ से मतलब बाड़मेर से जाती है मोनापाव के लिए, और जो बाड़मेर से मोनापाव का डिस्टेंस है वो 118 किलोमीटर है। स्टेशन आया, अभी पहला स्टेशन आया जब मोनापाव जाते थे बीच में, ये पहला स्टेशन आया यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है स्टेशन जस्साई और ये यहाँ का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है वो चलने वाली है, लिखा हुआ है जस्साई। छोटे गांव यहाँ के लोग काफ़ी मतलब यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोग यहाँ की भाषा सारा कुछ मतलब देखने लायक। आप कभी भी आओ, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नज़दीक से जाओ तो कुछ अलग ही आपको फील आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेशन कौन सा, यहाँ पे रामसर लिखा हुआ भी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रामसर, ठीक है। और उधर भी जो बोर्ड लगा रहता है स्टेशन पे वहाँ पे भी लिखा हुआ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है रामसर। यहाँ से और भी आगे है मोनापाव और ये रामसर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। भाई साहब ये था गागरिया स्टेशन और अब गागरिया स्टेशन से आगे चल रही है, अभी यहाँ से मोनापाव रह गया आधा घंटा का और यहाँ से सफ़र रहेगा गागरिया से। सबसे पहले जैसा ही आया उसके बाद भाजपर आया, उसके बाद रामसर आया और ये था गागरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है।
यहाँ देख सकते हो ये है गडरा रोड, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल गडरा रोड, ठीक है। और कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस है गडरा रोड स्टेशन का। और तो दोस्तों फाइनली ये है मुना बाव, ठीक है। ये है, यहाँ से ट्रेन जाती है, यहाँ ये लास्ट स्टेशन है, यहीं पे आती है ट्रेन, इसके बाद आगे ट्रेन नहीं जाती है। ये सिक्योरिटी पर्पज से बनी हुई है, यहाँ पे ये सिक्योरिटी मतलब एक पूरा चेकिंग की जाती है उसके लिए ये यहाँ पे बनी हुई है, कुछ डायरेक्ट यहाँ से उधर ना चला जाए। ये मुना बाव स्टेशन। तो दोस्तों ये है मुना बाव रेलवे स्टेशन, और आप ये जो देख रहे हो इसके उस साइड से पहले ट्रेन जाती थी आज से 2 साल पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेन बंद है, ये चलती है। और पहले ये देखो स्टेशन कुछ इस तरीके का, और ये लिखा हुआ यहाँ पे मुना बाव, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है मुना बाव लिखा हुआ, और ये है स्टेशन पूरा। आप कभी भी आओ यहाँ पर, अथॉरिटी लेके आप कोई भी काम कर सकते हो।